तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सुंदर खाल यूनिक पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, कल रात टाइगर की आवाज़ इस जोन से बहुत आ रही थी। आप देख सकते हैं, ये नाला है, पनोद नाला फर्स्ट छोटा, यानी कि ठीक है, ये पनोद नाला है छोटा। तो फ्रेंड्स, इस लाइन से टाइगर गुर्राते हुए गया है, आगे से जाके इसमें कट है आगे को, और आगे है एक बटिया, तो उस बटिया से निकला है टाइगर बहुत तेज़ी से बोलते हुए। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ये लोकेशन पे लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप आगे कितना बड़ा जंगल है, और मेरी शॉप आगे ही है। मैं आपको अपनी शॉप दिखाता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कि आप इस लोकेशन पे मेरी शॉप है, आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर मेरी शॉप है। और मैं नाइट में अंदर था, तो 12 बजे के आसपास इस जोन से बहुत आवाज़ आ रही थी इस नाले से, और इस नाले में मतलब ऐसी आवाज़ आती है कि एक बार आदमी बोलता है तो उसको दोबारा से उसकी आवाज़ गूंजती है इस नाले से। आप देख सकते हैं, ये पूरा जंगल है और ये नाला है, इसमें बारिश बरसात में इसमें पानी निकलता है। तो ये रास्ता इसका कंटिन्यू बना हुआ है, और रिवर से आता है तो इधर से निकल के आगे से कम 50 मीटर की दूरी पे यहाँ से रास्ता है आगे कट, तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है सीधे इधर को, और वहाँ से सीधे मेरी शॉप से ऊपर को निकलता है पूरे गुर्राते हुए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जिसने इसकी आवाज़ सुनी होगी रात को, वो भी मेरे साथ ही आए हैं, अभी आपको मिलाता हूँ उनसे। तो दोस्तों, अभी हिरन भागे हैं, आप इसे देखिए, यहाँ पे सामर डियर खड़ा है, ये सामर डियर खड़ा है, देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये भागा हिरन। एक हिरन यहाँ पे खड़ा है, सामर डियर। ये देखिए दोस्तों, ये निकल के गया। दोस्तों, जो ये नाला है ना, ये नाले की खासियत लेपर्ड और टाइगर के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइगर भी और लेपर्ड भी दोनों आते जाते रहते हैं। इनका जोन एक ही है, ये इसी जोन से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा तुमने, अभी भी यहाँ पे दिन का टाइम है और अभी भी यहाँ पे टाइगर जो हिरन है, हिरन निकलते जा रहे हैं, क्योंकि इनको टाइगर को क्या होता है कि सामने ही मिल जाता है खाने के लिए। जैसे हिरन हो गया, सांबर डियर हो गया, और अपना छोटा स्पॉटेड डियर हो गया, ये मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये इनको खा के गुजारा कर लेते हैं अपना। ये नाला इनका मशहूर है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको सामने यहाँ से रिवर का व्यू, और रिवर से ही निकल के आते हैं पे टाइगर या लेपर्ड, एलिफेंट भी यहाँ पे, फ्रेंड्स एलिफेंट भी निकल के आते हैं। लेकिन कल रात तो काफ़ी तेज़ी से गुजरा रहा था यहाँ पे टाइगर। मैं आप यहाँ से आपको रिवर दिखाता हूँ कि फ्रेंड्स, ये है रिवर, इसी नाले से निकल के आता है। मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के भेजूँगा एक बार, और आप इस वीडियो को देखना। अभी ये देखिए, ये नाला आता है और ये नाला सीधे यहाँ से मिल के, ये पनोद नाला छोटा पनोद है भाई, ये देखिए, ये छोटा पनोद है, पनोद नाला, छोटा पनोद नाला यहाँ से निकलता है, और यहाँ से सीधे इधर को जाता है टाइगर या लेपर्ड। तो दोस्तों, जो एक बंदा है, ये भी गांव का ही है, मतलब ये इधर साइड में रहता है, जिस साइड से आ रहा है इस साइड में रहता है, और ये नाला बीच में दोनों का, दोनों जो एक इधर है, इसको पनोद बोलते हैं एक्चुअली, ये जो गांव हमारा, इसको पनोद बोलते हैं, और इसको सुंदरखाल बोलते हैं। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये छोटे छोटे जगह पर अलग अलग नाम होते हैं, वही किस्सा है। तो देखिए, जो ये बंदा आ रहा है, शायद इसने भी कल आवाज़ सुनी होगी, तो मैं इससे पूछता हूँ अभी। हेलो भाई, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? तो जैसे कि आप बैठो, एक बार हमारे फ्रेंड्स के लिए हाई कर दो। वीडियो बननी क्या? हाँ, हाय, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, वीडियो बना रहे हो ना आप? तो ये हमारे भाई हैं किशोर, ये भी गांव के रहने वाले हैं, तो इनका घर सामने में है, इधर साइड इनका घर है। तो अभी इधर से आ रहे होते, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने टाइगर की आवाज़ सुनी कल रात? तो देखो ना, हम यहाँ पे घर है हमारा। हाँ, यहाँ पे आपका घर है? हाँ हाँ, तो यहीं पे से वो घुराते हुए आ रहा था, काफ़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी रिवर से, और हाँ, हिरन की कॉलिंग भी हो रही थी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे से घुराते हुए गया, वो कम से कम 10 से 15 कॉलिंग हुई। हाँ, तो उसके बाद से वो यहाँ को चले गया, मतलब इससे इससे निकलते नाले से ऊपर को निकल गया। हाँ जी, हाँ जी।
तो उसके बाद से तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर उसके बाद नहीं आई आवाज़ कम से कम। ये है तो भाई कितने बजे के आसपास नाइट में आवाज़ आ रही थी? समथिंग यार 12:30 बजे की बात होगी, 12:30। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो जोन है ये भी टाइगर और लेपर्ड का जोन माना जाता है, बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे देखिए आवाज़, अभी आवाज़ भी सुन सकते हैं, अभी से कॉलिंग होनी स्टार्ट हो गई, अभी मोर की आवाज़ आ रही है आगे। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ अभी बोलना चाहते हैं? अभी ना परसों की बात है, मैं होटल से जा रहा था, शाम के 5 बजे की बात है, मैं यहाँ से जा रहा था घूमते हुए धनगढ़ की साइड। तो वहीं पे रास्ते में जंगल के बीचों बीच में सड़क के वहाँ पे क्या है कि बंदर ऊपर को जा रहे थे और हिरण भी टोंक टोंक कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे आसपास ही वो टाइगर का मूवमेंट था, ऐसा लग रहा था। वहाँ पे कारें भी रुकी हुई थी 3-4, तो शायद मुझे वहाँ पे टाइगर था, क्योंकि मूवमेंट तो काफ़ी बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी डेंजरस इलाका है ये तो सभी को पता है, सुंदरखाल है काफ़ी। यहाँ पे हम ऐसा जीते हैं कि जैसे ना, आप क्या बताएं, आप बयान ही कर सकते शब्दों में।